पैर आपके मतलब सही नहीं है। अरे तो क्या करते हो वैसे आप? कुछ नहीं करते, खाली रहते हो, कर भी नहीं सकते क्योंकि पैर खराब है आपके। तो खाना खाया आपने? अच्छा, खाना खा लूंगा, थोड़ा भी भूख लगी, शाम को खाऊंगा। और घर में आपके कौन कौन है? घर में माँ है, डैडी खत्म। डैडी नहीं है? चलो मैं आपके लिए कुछ ला दूं खाने का। चलो ला दो। मैं आपके लिए कुछ खाने का ला देता हूँ, मैं 2 मिनट रुको, मैं लेके आता हूँ। लो इसमें कुछ फूड खाना है, आप भी खा लेना है। बाकी आपके पास मतलब रहते कहाँ पे आप थोड़ा बताएं। अच्छा, रहने वाला तो यूपी का, उधर ऐसे ही रहता हूँ। यूपी में कहाँ से? सीतापुर, यूपी में सीतापुर, लखनऊ। लखनऊ? काफी दूर रहते हो फिर, काफी मतलब परेशानी होती होगी आपको रहने में भी। सोना कहाँ होता है जैसे रात को, जहाँ कहीं भी सो जाते हैं, कोई दुकान बंद हो जाती पे भी जगह मिलती है मतलब वैसे ही? तो बड़ी परेशानी है देखा जाए तो जिंदगी में आपकी मतलब। तो आपको शादी तो हुई हुई आपकी? नहीं हुई शादी? नहीं, आप मतलब अकेले के बचपन से? पापा बचपन में मतलब गुजर गए? अच्छा, हाँ, अभी 2-4 साल हो गए। 2-4 साल हो गए। चलो ये आप खाना खा लेना है और मैं आपको हेल्प कर देता हूँ, सहायता कर देता हूँ आपकी। ये रख लो मेरी तरफ से है, बाकी हो सकेगा तो मैं आपसे दोबारा भी कभी मिल लूंगा। आते रहता हूँ इधर, और ये खा लीजिएगा आप हैं। ठीक है, शुक्रिया। चौक तक चल रहे हो? हाँ जी। कैर पे लोगे? 20 रुपये। अरे चाचा, 20 रुपये कहाँ जाते हैं? हाँ, 20 रुपये कहाँ जाते हैं वहाँ के? चलो यही साइड में रोक लेना एक। हैं 10 रुपये दे रहा हूँ मैं आपको, कोई बात नहीं? चलो कोई बात नहीं, दे देता है, लेकिन कोई कोई दे देता है 20 रुपया, कोई बात ना, बोल देते हैं। मैं ना कैसे हैं बात सुनो, मैं आपको 10 दे रहा हूँ फिर भी आप एक्सेप्ट कर रहे हो मतलब ले रहे हो पैसे, जबकि आपके 20 बनते हैं, आपने मुझे 20 बोला। हाँ बोला है, लेकिन सवारी पर निर्भर है, जब देता है कोई 100 रुपया देता है कोई बात। सच में चाचा आपने दिल जीत लिया। ठीक है, ठीक है, और ये पैसे लो। नहीं नहीं ना, मैं ऐसे बोल रहा था आपको, पैसे लो। नहीं 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 नहीं, सच में चाचा मैं ऐसे बोल रहा था आपको, 10 देके बोल रहा देखता था ना इनका कितने क्या बोलते हैं चाचा। हाँ हाँ वही बात है। ठीक है, आप पैसे लीजिए। आप मुझे वो 10 का नोट दे दो और ये मैं आपको बंदे को देता हूँ, आप ये पकड़ो मेरी तरफ से। ठीक है चाचा, सारे रखो आप। सच में दिल खुश कर दिया आपने, आप जैसे इंसानों की जरूरत है, सच में बता रहा हूँ। ठीक है चाचा, नहीं ले दो हाथ। ठीक है चाचा, शुक्रिया यहाँ तक लाने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया गाइस वीडियो देखने के लिए और वीडियो पर इतना प्यार बनाए रखने के लिए।
गाइस एक और चीज कहना चाहूंगा, जैसा कि आपने देखा कि एक रिक्शा मैन उससे 20 रुपये मांगते हैं वो, और तब की मैं उन्हें 10 देता हूँ तब भी वो एक्सेप्ट करते हैं, तो उनकी होनेस्टी देखने के बाद मैंने 10-20 नहीं, उन्हें पूरे 100 रुपये दिए और वो इतने खुश हुए बाद में, तो बड़ी खुशी मिलती है अगर हम किसी की 10-20-50 रुपये से हेल्प कर देते हैं तो। और मोस्टली मैं कहूँगा कि अगर कोई भी होमलेस या कोई भी गरीब आपको लगता है या ज़्यादा हार्डवर्क करके वो 100-200 पर डे कमाता है, तो ऐसे लोगों की हेल्प करें। और कोई भी आपको लगता है कि वो काम नहीं कर सकता या कोई बच्चा है या कोई बूढ़ा है और वो भूखा है, तो ऐसे लोगों को प्लीज़ हेल्प करें और हो सके तो उन्हें खाना खिलाएं ताकि उन्हें खुशी मिल सके, और उन्हें खुशी मिलेगी तो एक्चुअल में आपको बड़ी खुशी मिलेगी, और वो खुशी आप एक बार करके देखो बहुत खुशी मिलती है। तो आई एम रियली थैंक यू सो मच इतना प्यार बनाए रखने के लिए। बाकी इन फ्यूचर ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी, तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब अगर कर दीजिए अगर नहीं आपने किया है तो, और वीडियो को लाइक करके जाना। एक बार को वीडियो को लाइक नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आई एम रियली थैंक यू।